हमने लास्ट टाइम हिस्ट्री में हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ा था। आज हम हमारे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, पर्टिकुलरली इन द ह्यूमन अफेयर्स। और ये हिस्ट्री क्या होता है? जो भी हुआ, जो हमारे पास्ट में इवेंट हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। किसी ह्यूमन अफेयर्स को लेकर के देन हिस्ट्री जो है तीन तरह की होती है। एक प्री हिस्ट्री होती है, प्रोटो हिस्ट्री होती है, और हिस्टोरिकल पीरियड होता है। प्री हिस्ट्री हमारी, वहाँ पर क्या है, कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। और वहाँ पर क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, लैंग्वेज ही डेवलप नहीं हुई थी, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं हमारी जो स्टोन एज है, जो हमारी चालकोलिथिक एज है। देन हम बात करते हैं हमारी प्रोटो हिस्ट्री की, जिसको अर्ली हिस्ट्री नाम से भी जाना जाता है। हैव रिटन बट स्क्रिप्ट और लैंग्वेज हैज़ नॉट डेसिफर्ड। मतलब क्या कि हमारी जो वहाँ पे जो स्क्रिप्ट है, हमारी जो लिखने का है, वो तो हमारी डेवलप हो गई है, लेकिन जो लैंग्वेज है हम उसको अभी तक समझ नहीं पाए, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन हम बात करते हैं हिस्टोरिकल पीरियड की, तो वी हैव रिटन रिकॉर्ड। यहाँ पर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है, और जिस रिटन रिकॉर्ड को हमने समझा भी है, जो ये कौन सी एज है, इसको हम वैदिक एज बोलते हैं। हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, इट इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम मध्य की बात करें तो मध्य मतलब होता है सेंट्रल। देन हम मध्य प्रदेश की बात करें तो किसी रीजन या स्टेट को बोलते हैं। द सेंट्रल रीजन बिलोंग्स टू द गोंडवानालैंड। गोंडवानालैंड क्या है? द साउदर्न पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ पेंजिया। द टर्म गोंडवाना मीन्स ऑफ द लैंड ऑफ गोंड्स एंड इवन टूडे। जो गोंडवाना मीन्स है, गोंडवाना को क्या बोलेंगे हम, ये टर्म को हम इसमें रेफर करेंगे कि जो ये जो लैंड है, ये गोंड्स की है, और आज भी ये गोंड्स की ही लैंड है। स्टोन एज, तो हम स्टोन एज की बात करें तो 2,500 BC से लेकर के 4,000 BC तक की एज थी। और स्टोन एज में तीन स्टेजेस थी। कौन कौन से स्टेजेस थी? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो हम एक एक करके तीनों एजेस की बात करते हैं। तो जो पैलियोलिथिक एज थी, वो हंटर्स और फूड गैदरर्स की हुआ करती थी। और ये कब से कब तक की थी? 2,500 BC से लेकर के 10,000 BC तक की थी। दे वर नॉमेडिक पीपल। नॉमेडिक मतलब बंजारे। दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिपेंडिंग ऑन सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव करके किया करते थे। सीजनल जो अवेलेबिलिटी रहा करती थी प्लांट और एनिमल की, उस पर डिपेंड रहते थे ये। दे लिव्ड इन स्मॉल कम्युनिटी कॉल्ड बंद सोसाइटी। ये एक स्मॉल कम्युनिटी इनकी रहती थी जहाँ पर ये रहते थे, और जिसको बंद सोसाइटी से जाना जाता था। इसमें 100 से कम लोग, लेस देन 100 पीपल रहा करते थे। इन पैलियोलिथिक एज इटसेल्फ वी सी दैट देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स वर यूज, कोर, फ्लैक्स एंड फ्लिंट्स। ओके, तो जो कोर हुआ करता था हमारा, जो हमारा कोर हुआ करता था, वो एक बड़ा सा पत्थर रहा करता था, जिसको हम कोर टूल कहा करते थे, जिससे हैंड एक्सेस, क्लेवर और चॉपर्स बना करते थे। जो हमारा कोर टूल में से जो छोटा सा पार्ट रहता था, जिसको टूट करके जो ये फ्लैक्स, तो उसको हम फ्लैक्स बोलते थे, जिससे ब्लेड्स, पॉइंट बेरर्स और स्क्रैपर्स बनते थे। जो हमारी पैलियोलिथिक एज की मेन साइट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ का जो एविडेंस फाउंड फ्रॉम द रिवर वैली ऑफ नर्मदा, चंबल, सोनार, पार्वती, बेटवा, हिरन और वैनगंगा, यहाँ से ये मेन साइट से जहाँ से इसके एविडेंस पाए गए हैं। देन हम मेसोलिथिक एज की बात करें तो ये जो एज है, इसको हंटर्स एंड हर्डर्स के बारे में, हर्डर्स की है ये। और ये कब से कब तक की है? 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC तक की है। दिस वॉज ट्रांजिशन फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये एक ट्रांजिशन फेज था मैं पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज के बीच का। यहाँ का जो मेन टूल है वो माइक्रोलिथ्स है। माइक्रोलिथ्स क्या होता है? 1 cm से 5 cm के बिटवीन का टूल रहता है, एक स्टोन टूल रहता है। और ये मिनिएचर वर्जन होता है टूल्स का, जो अर्ली स्टोन एज में यूज़ किया गया है। यूज़ ऑफ माइक्रोलिथ्स इंडिकेट शिफ्ट फ्रॉम बिग एनिमल हंटिंग टू स्मॉल एनिमल हंटिंग एंड फिशिंग। ठीक है, माइक्रोलिथ्स हमको क्या इंडिकेट करता है कि हम लोग क्या करने लगे थे? बड़े एनिमल्स की हंटिंग से हम लोग स्मॉल एनिमल की हंटिंग पर आ गए थे, फिशिंग पर आ गए थे। माइक्रोलिथ्स वर यूज एज कंपोनेंट पार्ट ऑफ एरो, एज एरो हेड्स इनेबलिंग फिशिंग। अलॉन्ग विथ माइक्रोलिथ्स एनिमल बोन हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड। दिस बोन्स प्रोवाइड्स माइक्रो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस फॉर द बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन। ये जो माइक्रोलिथ्स था एनिमल बोन से जो बना हुआ था, जो डिस्कवर हुआ था, ये जो बोन था ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस प्रोवाइड करता था। कहे कि जो क्या हमको बताता है कि ये क्या थी? डोमेस्टिकेशन की बिगनिंग थी।
देन एविडेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड प्रिमिटिव कल्टिवेशन हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड. दिस इंडिकेट सेटल फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड. क्या हुआ था, जो हॉर्टिकल्चर और प्रिमिटिव कल्टिवेशन जो थे ये भी डिस्कवर हुए थे, ये हमको इंडिकेट करते थे कि लॉन्ग टाइम पे, लॉन्ग पीरियड के लिए सेटलमेंट होने लगा था उस टाइम पर. तो अब हम मेन साइट्स की बात करें तो मेन साइट्स हमारी कौन कौन सी है मिसोलिथिक एज की. मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट जो है वो आडमगढ़ है, आडमगढ़ की हिल्स जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स एंड रॉक पेंटिंग्स यहाँ से मिली है हमको इन हिल्स से. ओके, तो मैं आपको नोट्स भी दूंगी, आप लिंक से नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं. देन द नियोलिथिक एज जिसको हम फूड प्रोड्यूसर की एज कहा जाता है 6000 BC से लेकर के 4000 BC तक की थी. ओके, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ नियोलिथिक एज. क्या था कि जो एग्रीकल्चर था और डोमेस्टिकेशन था प्लांट्स का, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था नियोलिथिक एज का. डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लेड टू इमर्जेंस ऑफ विलेज लाइफ एंड डिविजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स. ग्रेजुअली देयर वॉज मोर एंड मोर फूड प्रोडक्शन एंड व्हेन फूड प्रोडक्शन टेक्स प्लेस द बियॉन्ड द सब्सिस्टेंस लेवल अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन गेट फ्रीड अप टू टेक अप अदर एक्टिविटीज अदर देन फूड प्रोडक्शन. क्या हो रहा था कि जब ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होने लगा था तो फूड प्रोडक्शन के अलावा हम लोग क्या थी, पॉपुलेशन फ्री हो रही थी कि हम कुछ और काम करें, फूड प्रोडक्शन को छोड़ करके कुछ और एक्टिविटीज़ करें. तो उस टाइम पर क्या हुआ, पोटरी मेकिंग वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्राफ्ट दैट इमर्ज्ड विथ मीन विच मीन्स द व्हील वॉज यूज. क्या हुआ था, जो पोटरी मेकिंग था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था, जो कि जिसका मतलब क्या, व्हील वॉज यूज, व्हील यूज़ किए जा रहे थे वहाँ पे. पोल्ट्री वर यूज पोल्ट्री बनाने के लिए, पोल्ट्री वर यूज फॉर कुकिंग एंड स्टोरेज. पोल्ट्री गाय के लिए यूज़ की जा रही थी, कुकिंग के लिए और स्टोरेज के लिए. ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ क्लोथ मेड ऑफ कॉटन एंड वूल वूल. ओके, तो इसकी मेन साइट्स क्या क्या थी, इसकी मेन साइट्स थी ईरान, जबलपुर, दामो सागर एक्सेट्रा. देन द चालकोलिथिक एज, तो ये कब से कब तक की थी, 4000 से लेकर के 1200 BC तक की थी. द एंड ऑफ नियोलिथिक वी सी द यूज ऑफ मेटल. हमने नियोलिथिक के एंड में क्या देखा कि हम मेटल यूज कर रहे थे. तो चालकोलिथिक मीन स्टोन कॉपर है. चालकोलिथिक का मीनिंग मतलब क्या होता है, स्टोन कॉपर एज. सो आफ्टर स्टोन मेटल बिगन्स टू बी यूज फॉर मेकिंग टूल्स. स्टोन के बाद में मेटल यूज किया गया टूल्स बनाने के लिए. कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय मैन. कॉपर सबसे पहला मेटल था जो कि मैन के द्वारा यूज किया गया था. इसकी मेन साइट्स कौन कौन सी है, एमपी की, एमपी में वैली ऑफ नर्मदा, चंबल एंड बेटवा, जबलपुर, बालाघाट एक्सेट्रा. तो चालकोलिथिक कल्चर, एविडेंस ऑफ चालकोलिथिक कल्चर ऑल्सो फाउंड एट कायात. ओके, जो कि फर्स्ट हैबिटेशन है एमपी का, ईरान, माहेश्वर, नागदा. देन उसके बाद में जो डॉक्टर वाकनकर हैं, डॉक्टर वाकनकर है डिस्कवर्ड कायात एंड नागदा. डॉक्टर वायनकर ने कायात और नागदा को डिस्कवर किया है और डॉक्टर साकलिया ने माहेश्वर और नवादतोली को डिस्कवर किया है.